रोडवेज ने महिला को कुचला। बस स्टैंड पर उतरते वक्त ड्राइवर ने चला दी बस, ऊपर से गुजरा टायर। हरियाणा के रोहतक बस स्टैंड पर शनिवार सुबह प्राइवेट अस्पताल में नर्स की ज्वाइनिंग करने के लिए आई महिला को रोडवेज बस ने कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी लोग एकत्रित हो गए और ड्राइवर वहां से फरार हो गया। मृतका की पहचान गांव बौसी निवासी सोनिया 27 के रूप में हुई है। मृतका के पति भारत भूषण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी सोनिया को प्राइवेट अस्पताल में नर्स की जॉब मिली। शनिवार को सोनिया ज्वाइनिंग करने के लिए रोहतक आई थी। जिंद डिपो की बस में रोहतक बस स्टैंड पर पहुंची। इस दौरान जब सोनिया बस उतरने लगी तो चालक ने बस चला दी और वह टायर के नीचे आ गई, जिस कारण सोनिया की मौत हो गई। बस स्टैंड पुलिस चौकी के इंचार्ज सुरेंद्र ने बताया कि मृतका सोनिया के पति भारत भूषण के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसके आधार पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपी।